हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैं कसिनो के ऊपर कई वीडियोस बना चुका हूँ पिछले 2-3 महीने से। एक सीरीज़ चल रही है, शायद मैंने काउंट नहीं किया पर 70-80 के करीब वीडियो उसमें बन चुके होंगे, जिसमें मैंने कसिनो की साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, ये सब के बारे में बताया, कुछ ट्रिक्स शेयर करी, कुछ स्ट्रेटजी शेयर करी, खेलने का तरीका, क्या क्या आप लोग गलतियां करते हो वहां पर जाकर, और कुछ एक दो गैम्बलर्स की स्टोरी शेयर करी कि और वो रियल स्टोरीज थी, मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि भी मैंने उन लोगों से बात करी, आप लोगों के सामने रखा मैंने, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने मेम्बरशिप भी ज्वाइन करी और उनको फ़ायदा हुआ। कई लोग मुझे मिलने भी आए गोवा में, कई लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, मैंने कई वीडियो भी डाले हैं। तो ये चल रहा था सिलसिला, इसके साथ में मैं अपना गोवा में अपने लाइफस्टाइल क्या कर रहा हूँ, कैसे रहता हूँ, जो भी चीज़ें मेरे को नॉलेज की मुझे पता है या मैं सीखता हूँ, जो मेरी हॉबी भी है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ऐसे ही कुछ एक वीडियो के नीचे कमेंट आया एक भाई साहब का कि क्या मेडिटेशन करने से गैम्बलिंग में बेनिफिट मिलता है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, क्योंकि अभी तक कम से कम हजारों लोगों ने वो वीडियो देखे हैं मेरे, इतने सारे कैसिनोज के ऊपर। कई लोग तो बिल्कुल प्योर शुद्ध रूप से मेटेरियलिस्टिक थे, उन्होंने तो सीधा कहा कि भाई आप सारी बातें छोड़ो, इधर उधर की बातें छोड़ो, हमें तो ट्रिक बताओ, कौन सी ट्रिक लगाने से हम लोग जीत सकते हैं, हमेशा जीत सकते हैं। कुछ लोग ने क्लियर ये बात करी, जबकि मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि भाई आप ट्रिक जानकर या जीत करके आप कैसिनो से बच नहीं सकते हो। आप आज जीतोगे, आप कल हारोगे, आप 10 दिन जीतोगे, 11वें दिन हार जाओगे। दूसरा, मैंने हमेशा ये बोला कि आपको साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, माइंड गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप वो करने में कामयाब हो गए तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाओगे, जिससे कैसिनो ही नहीं, आप ओवरऑल लाइफ में भी बेनिफिट ले सकते हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, बिजनेस हो, घर परिवार हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो कई लोगों को उस सबसे मतलब नहीं है, उनको कि भी सीधा ये बताओ ट्रिक क्या है और हम पैसा जीते कैसे जीते। तो वहाँ पे उन मतलब कम रहे हैं ऐसे लोग, पर जो भी रहे हैं मैंने उन लोगों को ज़्यादा इंटरटेन नहीं किया, क्योंकि ऐसे लोग क्या है, अगर उनके मन की ना हो तो वो सर और आप कह के बात करते हैं, फिर वो तू तड़ाक पे उतर आते हैं और फिर वो आगे भी बढ़ जाते हैं। इससे आप लोग अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो YouTube की गाइडलाइंस क्या है कि अगर किसी ने भी कोई गलत शब्द लिख दिया अपनी बात कहने में, तो वो उसकी वजह से उसका कमेंट हटा देगा। मैं कभी किसी का कमेंट डिलीट नहीं करता, चाहे आप मुझे गाली भी दे दो मैं डिलीट नहीं करता, पर क्या है कि वो गाली देने की वजह से वो कमेंट वो YouTube उसको डिलीट कर देता है। उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है ना, आप कमेंट करते हो ना तो ऊपर गाइडलाइंस आती है, आप पढ़ लो उसको, तो वो हटा देता है। इस चक्कर में होता क्या है कि जो आप कहना चाहते हो वो बात मुझ तक या और बाकी लोगों तक नहीं पहुँच पाती, भले ही आपने मुझे गलत कहा है या क्रिटिसाइज़ किया है। दूसरा, मुझे गालियों वालियों से सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो एक अपनी जीवन शैली होती है, एक लोगों का कम्युनिकेशन स्किल होता है कि भी वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। दूसरा, कई लोग अपने फ़ोन नंबर टाइप कर देते हैं और वो कहते हैं कि आप इस नंबर पे हमें फ़ोन करो, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप फ़ोन नंबर को टाइप करके कमेंट करोगे तो वो भी गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आता है, तो उसके तहत भी वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। हाँ, उनमें से जिन नंबर्स में स्टार्टिंग में नंबर आता है या वो अल्फ़ाबेट्स में अपना नंबर लिखते हैं तो वो कमेंट रहेगा, ठीक है। दूसरा, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप क्यों चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं अपनी सारी बातें तो ईमानदारी से वीडियो में रख ही रहा हूं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। मतलब अगर आप मुझसे वही सवाल पूछने के लिए चाह रहे हो कि मैं आपसे बात करूं, जो आपने मुझसे ऑलरेडी पूछ लिया है या लाइव चैट के दौरान पूछ लिया है या मैंने ऑलरेडी इतने वीडियोज़ में बता चुका हूं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं फ़ोन नंबर वगैरह रखता नहीं हूं और मेरे पास बहुत लिमिटेड साधन है कॉन्टैक्ट लोग मुझसे कर सके, और मुझे वो चीज़ अनकम्फर्टेबल लगती है। तो ऐसा नहीं कि मैं लोगों से बात नहीं करता, मैंने कई लोगों से बात करी, कई लोगों से आज भी बात होती है, और कई लोगों से बात करने के बाद मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे उनके विचार नहीं मिलते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपके सवाल बताएंगे कि आप में क्या बुद्धि है, क्या IQ लेवल है। जैसे अभी ये भाई साहब ने, मिस्टर राज आई थिंक, उन्होंने पूछा कि क्या मेडिटेशन करने से गैम्बलिंग में बेनिफिट मिलता है, तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने कहा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ और भी लोगों को बताता हूँ। तो मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई भी किया है, पर मैं फिर भी एक वीडियो बना रहा हूँ कि देखो दोस्तों, आप चाहे गैम्बलिंग ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, कैसिनोज में जाके करो, या लाइफ में कोई भी चीज़ हो, मेडिटेशन से आपका माइंड संतुलित होता है, कंट्रोल्ड होता है, आपके अंदर एक संतुलन की भावना आती है, बैलेंस होती है, माइंड सेट एक
एक संयम की तरफ माइंड बढ़ता है, ठीक है, माइंड के ऊपर नियंत्रण बढ़ता है, आपको आपके अंदर उत्तेजना लेवल कम होता है, आपका माइंड को आप पकड़ आपकी पकड़ में आ जाता है। आपको मालूम है दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, फिर इसके अंदर और बहुत सारी कैटेगरी भी आ जाती हैं, ठीक है, एक कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड होता है, एक सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, तो ऐसे। पर मेनली एक इंडिविजुअल इंसान की बात करें तो दो होते हैं, एक अवचेतन मन और एक चेतन मन। चेतन मन मतलब कॉन्शियसली आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो, मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मालूम है क्या सुन रहा हूँ, ये सब चेतन है, कॉन्शियस माइंड है। पर ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ या मेरे अंदर का मन मुझसे बुलवा रहा है, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन। वो अंदर से वो ये बुलवा रहा है, पर मैं होशियार बन के मुझे लग रहा हूँ कि आई एम इंटेलिजेंट और मैं जो चाह रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे भगवान हम खुद हैं, क्योंकि हमारा भगवान हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड हम अपने भगवान को कैसा बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे बुरा बनाएंगे, ये हम डिज़ाइन करते हैं। अगर आपने अपने भगवान को अच्छा बनाया तो वो आपसे अच्छे काम करवाएगा, इंटेलिजेंट बनवाया तो वो इंटेलिजेंट काम करवाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉजिटिविटी बढ़ती है और उसकी पावर बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके अंदर होता है, एक कुत्ता बिल्ली चींटी सबके अंदर होता है, सब कोई भूख से नहीं मरता, उसको खाना चाहिए तो मिल ही जाता है, आपको मदद चाहिए तो मिल ही जाएगी। पर सबकॉन्शियस माइंड प्योर होने से, फालतू का कचरा दिमाग में ना आने से, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो जो चीज़ आपकी 3 महीने में अट्रैक्ट होनी थी वो 30 दिन में अट्रैक्ट हो जाएगी, जो कम होनी थी वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा, मैं कोई किताब की पढ़ी हुई बात नहीं बोल रहा हूँ, जाना मैंने किताबों से ही पढ़ के था, पर इसको मैंने अपनी कश्मीर टू कन्याकुमारी वाली साइकिल जर्नी जो करी थी मैंने विदाउट मनी, 51 डेज में 4,384 किलोमीटर मैंने चलाई बिना पैसों के, तो उस जर्नी का मेरा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मेरे पास एक्सपीरियंस है काठमांडू से दिल्ली आने का, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस। आज आप मैं को देख रहे हो, मेरे पीछे का जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, मैं जिस जगह पे गोवा में रह रहा हूँ, गोवा में तो बहुत लोग आके रहते हैं, पर उनकी लोकेशंस देखो, आपको हैरानी होगी कि 2018 में जब मैं पहली बार गोवा आया था तो मैं चपोरा फोर्ट गया था, जो मेरी ठीक आँखों के सामने इस समय, और उसी चपोरा फोर्ट में जब मैं फ्रेंड के साथ मैं वहाँ गया तो वहाँ पे उसी वॉल पे खड़े होकर मैंने इस तरफ देखा, ये रेजिडेंशियल एरिया मुझे दिखा 2018 में पहली बार गोवा आया था। तो मैंने कहा कि यार ये जगह कितनी प्यारी है, सामने समुंदर है, ये देखो किनारे पे घर है, रिवर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ हैं, सनसेट पॉइंट है, तो ऐसी जगह पे घर होना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए। अब आप इसको इत्तफाक बोलोगे या क्या बोलोगे कि भाई मैं उसके बाद एक booking.com पे हॉस्टल सर्च करता हूँ, वो हॉस्टल मुझे वागटर में मिलता है, मैं वहाँ 2 महीने रहता हूँ अपनी किताब लिखने के लिए, फिर लॉकडाउन वगैरह होता है, फिर मैं फैमिली के साथ आता हूँ, फिर उसी वो जगह पे रहता हूँ, पर फिर जब मैं घर ढूंढता हूँ तो मुझे घर उसी डायरेक्शन में मिलता है जिस तरफ मैंने मूव करके, चपोरा फोर्ट के दूसरी तरफ भी रेजिडेंशियल एरिया है, पर मुझे उसी तरफ ही घर मिला जहाँ पर मैंने सोचा था। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका, मुझे ऐसा हैरानी नहीं होती, ये कोई किस्मत भगवान धर्म का इसमें कोई रोल नहीं है कि किस्मत में था, नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और प्रोबेबिलिटी है और एफर्ट करने की क्षमता है। अब आते हैं उस पॉइंट पे, वो भाई साहब ने सवाल किया, वो सवाल के शुरू होने से पहले जो क्या बोलते हैं ट्रेलर कह लो या जो बेस कह लो वही 8 मिनट का हो गया, तो उनको मैंने कमेंट किया, मैंने कहा कि देखो मेडिटेशन तो बहुत फ़ायदा करता है, पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर या मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट ओनली इन इंडिया, उनको नहीं मालूम कि मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन के नाम पे वो ध्यान लगाने के नाम पर वो अपनी आंखें बंद करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, किसी संत महात्मा को ज्वाइन करते हैं, किसी गुरु को ज्वाइन करते हैं, किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, कोई ना कोई गुरु, इतने सारे हिंदुस्तान में गुरु हैं, इतनी सारी संस्थाएँ हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं, कोई विपासना करने चले जाएगा, कोई ब्रह्म कुमारी के पास चले जाएगा, कोई ओशो में चले जाएगा, कोई कहीं चले जाएगा। पर कमाल की बात है कि उनको लगता है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्चुअल में वो कॉन्सेंट्रेशन कर रहे होते हैं। मेडिटेशन की डेफिनेशन ही अलग है, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल उसके 180 डिग्री पे अपोजिट है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता, मतलब फोर्सफुली अपने माइंड को एक जगह पे लगाना, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जब आपने न्यूज़ में कमेंट्री वगैरह में सुना होगा कि एक क्रिकेटर की एकाग्रता भंग हो गई, वो एकाग्रता भंग ना हो आगे ब्लैक कलर की एक स्क्रीन लगाई जाती है कि ध्यान ना भटके, वो फोर्सफुली गेंद के ऊपर अपने दिमाग को अपने माइंड को कंट्रोल करता है, केंद्रित करता है।
तो हम क्या करते हैं, हमें मेडिटेशन के नाम पे क्या करवाया जाता है कि आप उठो, आँख बंद करो, ध्यान लगाओ। अब आप जबरदस्ती आँख को बंद कर रहे हो, प्लान करके इंटेंशनली आप आँखों को बंद कर रहे हो और ज़बरदस्ती अपना कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, और उसी कोशिश में आपका दिमाग यहाँ वहाँ घूमता है, आप फोर्सफुली, आपके दिमाग पर बातें आती हैं, आप उसको रिजेक्ट करते हो, और ये सब प्रोसेस में आपको थोड़ा सा एक अलग अनुभव होता है, आपका तो यार ध्यान लगा के मजा आ गया। ये ध्यान नहीं है, ये मेडिटेशन नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। मेडिटेशन कभी भी किया नहीं जाता, मेडिटेशन हो जाता है। मेडिटेशन मैं ये जो देख रहे हो, मैं यहाँ पे अपने टोनी जेरी को घुमाने लेके जाता हूँ, मैं यहाँ जाके 10 मिनट बैठता हूँ और ऐसे ही सामने अरेबियन सी की तरफ देखता हूँ, और मैं देख रहा होता हूँ थोड़ी देर, तो कुछ सोच रहा होता हूँ कि अरे अब जाके ये करना है, वो करना है, वीडियो एडिट करना है, हॉस्टल खोलना है, पैसे आ जाए, फाइनेंसर मिल जाए, ये जो भी अपना दिमाग में प्लानिंग होती है वो सब दिमाग में दौड़ता है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद, 5 मिनट के अंदर बाद वो सोच साच के फिर आप कहते हो यार क्या बढ़िया नज़ारा है, क्या बढ़िया व्यू है, यही नेचर है, यही भगवान, इस तरह की बातें आती है, फिर आप बैठे हो। उस बीच में लहरों की आवाज़ें मेरे कान में पड़ रही होती हैं, पक्षियों की चहचहाहट, पक्षियों की, कौओं की, लंगूरों की आवाज़ें, पानी की लहरों की आवाज़ें मेरे कान में पड़ रही होती हैं। मैं उनको सुनने के लिए फोकस नहीं करता हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ, वो आ रही होती है। दैट इज़ मेडिटेशन। जब आप ना चाहते हुए आप एक ऐसी अनुभूति करो जिसके लिए आप ना प्लान कर रहे हो, ना इंटेंशनली आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप बैठे हो और नेचर, हवा के झोंके, आप फील कर रहे हो कि हवा का झोंका आपको टच कर रहा है, लहरों की आवाज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, पक्षियों की आवाज़ें चुभ नहीं रही हैं, एक मशीन का आवाज़ भी आपको इरिटेट कर रहा है कि यार ये क्या है यार, वो मेडिटेशन है, वो जो आप ना चाहते हो। ज़बरदस्ती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आँखों में पानी के छींटे मार के और आँख बंद करके बैठ गए और ध्यान लगा लिया और बोल दिया कि यार मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, इट्स नॉट मेडिटेशन, इट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेशन। इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं पर वो स्पिरिचुअल एडवांटेजेस नहीं होने वाले जो आप मेडिटेशन से उम्मीद करते हो, क्योंकि एक बार आपको वो ध्यान लग गया तो आपको ज़िंदगी में बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एक एहसास ऐसा दिला देगा जो आपके अंदर बदलाव ले आएगा। पर क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका थोड़े दिन तक असर रहता है, कुछ घंटों कुछ दिनों तक असर रहता है, उसके बाद आपको दोबारा करना पड़ता है। मुझे ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर मिले हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के मिले हैं, जो विपासना कर रहे हैं, जो कहते हैं हम तो आज 5 बार विपासना का कोर्स कर चुके हैं, कोई कहता मैं 10 बार कर चुका हूँ, कोई कहता मैंने नेपाल में किया, मैंने महाराष्ट्र में किया। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बीमारी की दवाई खाने का क्या फ़ायदा जिस दवाई का असर कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाए और फिर खानी पड़ जाए। आपने सिखों के जो प्रथम गुरु, जो फर्स्ट गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, जिनका तलवंडी नामक जगह पे जन्म हुआ था, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, गुरु नानक देव जी का आपने जो भी कभी फ़ोटो देखी हो, पिक्चर देखी हो, तो उनका जो शरीर है, कोई स्लिम ड्रीम ऐसा शरीर नहीं है, एक सिंपल सादा शरीर है, हेल्दी शरीर है, थोड़ा सा फैट है, तोन निकली हुई है। इससे ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने कभी योगा नहीं करी, उन्होंने कभी कोई इस तरह के कॉन्सेंट्रेशन वाले, पर उनको इतनी नॉलेज कैसे थी, उनको इतना ज्ञान कैसे था, उनके चेहरे पे वो नूर कैसे था, नूर इसलिए था, आत्मविश्वास इसलिए था क्योंकि ज्ञान था। ज्ञान की अनुभूति कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने शरीर को अपने इस कुदरत के हवाले कर रखा था। उनको गाना बहुत अच्छा लगता था और वो अंदर से, अंतर आत्मा से, अंदर से आवाज़ आती थी और वो गाना गाते थे। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता उनका गाना सुंदर था, सुर थे में था नहीं था, उनको अंदर से आवाज़ आई, आत्मा से आवाज़ आई और उन्होंने अपने गाना गाना शुरू कर दिया। और जब वो गाना गाते थे, वो गाना टेक्निकली कितना सुरीला था वो नहीं मालूम, पर वो अंतर आत्मा से जब गाना गाते थे, वो गाने की अनुभूति की वजह से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए पूरी की पूरी गुरबाणी गीत में लिखी हुई है, गुरु की वाणी जो है, जो उनकी कथन है, जो उसमें लिखे गए हैं, वो गीत में, लय में लिखे गए हैं, उन्होंने गा गा के वो अपने सारे वचन दिए। मतलब इससे एक चीज़ है कि आपको कुछ भी करना है जिसमें आपको आनंद की अनुभूति होती है, मज़ा आता है, वही आपका मेडिटेशन है। मेडिटेशन के लिए कोई कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सुबह एक पर्टिकुलर, किसी भी टाइम मेडिटेशन हो सकता है, गाना गा के मेडिटेशन हो सकता है, वर्कआउट करके मेडिटेशन हो सकता है, अपने बॉडी को स्थिर छोड़ करके मेडिटेशन हो सकता है। ये मेडिटेशन जो आप कह रहे हो कि भी जिस चीज़ में आपको आनंद आए वो मेडिटेशन है, जो चीज़ आपकी सारी समस्याएं भुला दे कुछ पल के लिए वो मेडिटेशन है। एकाग्रता, ज़बरदस्ती आप कोर्स कर रहे हो, ज़बरदस्ती आप संस्थाओं में जा रहे हो, 10-10 बार चले जाओ विपासना कर रहे हुए, 20 ऐसे लोग मिले जिन्होंने 10-10, 15-15 बार विपासना करी है फिर भी कुछ नहीं हुआ, भौतिक दुनिया में आते सारी विपासना धरी रह जाती है।
देखो मेरे को मालूम नहीं मैंने कब मेडिटेशन किया, पर मेरे से रोज़ मेडिटेशन हो जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन में क्या फ़र्क है। इसलिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरी जेब खाली है और मैं गोवा के अंदर रहता हूँ, दो बेटियाँ हैं, स्कूल के ख़िलाफ़ जा करके स्कूल छुड़वा रखा है और खुद होम स्कूलिंग देता हूँ, खड़े होकर के दुनिया के विपरीत जाके इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलता हूँ उसकी, और पूरे तर्क के साथ बोलता हूँ, भले ही पूरी भीड़ एक तरफ हो जाए मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी आकर के मुझे बोल दे कि भाई साहब आपका ये लॉजिक गलत है, ये बेहतर लॉजिक है, मैं उसकी बात को मान भी लेता हूँ, पर भीड़ कह रही है इसलिए नहीं मानता। ये हिम्मत कहाँ से आती है, ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? नहीं तो लोगों ने तोड़ने की बहुत कोशिश करी मुझे कि अरे आपकी दो बेटियां हैं, वो चलो कोई बात नहीं, अब तो दहेज इकट्ठा करना है, पैसा कमाना है, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ रहने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी के 20-30 साल दे करके फिर लाखों करोड़ रुपये कमा के बुढ़ापे में ही आते हैं। मैं अपनी 40 साल की उम्र में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी 4384 किलोमीटर साइकिल चला ली, कहाँ से आई ये हिम्मत? और अभी भी मैं एक 20-22 साल के लड़के की तरह फील करता हूँ कि भी मतलब ये कॉन्फिडेंस, ये जोश, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे मैं नहीं मालूम मैंने लाखों करोड़ रुपए नहीं कमाए, मेरे पास इस समय कोई इनकम सोर्स नहीं है, पर मुझे इतना मालूम है कि मैं अपने परिवार को एक पर्यावरण के बीच में एक खूबसूरत माहौल के बीच में ला के रख रहा हूँ। मैंने उनकी ज़िंदगी के 10-10 साल बढ़ा दिए। देखो मरने के 50 कारण हो सकते हैं, हो सकता है हम कल मर जाए, हो सकता है मेरा आखिरी वीडियो, पर मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। मर जाऊँ वो अलग बात है, मैं क्यों मरूँ? मुझे कुदरत ने जन्म दिया है, जीवन दिया है, मैं इस जीवन की रक्षा करूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा। कोई सिद्धांत कोई असूल मेरे को बांध नहीं सकते। शाकाहारी हूँ, ज़रूरत पड़ेगी सांप मार के भी खाऊंगा, जिंदा रहने के लिए कुछ भी करूंगा, पर जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने कोई इसके लिए मुझे किसी गुरु महात्मा की ज़रूरत है, इसके लिए मुझे किसी धर्म की ज़रूरत है, इसके लिए मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। ये तो ज्ञान कॉमन सेंस हम कुदरती बाई बर्थ लेकर के पैदा होते हैं। आप लोग इसके ऊपर कचरा डालते हो मटेरियलिस्टिक। स्कूलों में आपके बच्चे क्यों जाते हैं? आपका आप उनको शुरू से लाओत्से ने 2500 साल पहले, लाओत्से चीनी संत था, 2500 साल पहले उसने बोला था कि अगर जीवन में सफलता चाहते हो, संतुष्टि चाहते हो, तो कंपटीशन और कंपैरिजन, तुलना और प्रतिस्पर्धा से बचना। पर आप स्कूल में बच्चे को भेजते प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपटीशन करवाते हो स्कूलों में आप उनसे और तुलना करते हैं, जो बच्चे दोस्त होते हैं एग्ज़ाम में नंबर को लेकर के वही आपस में कंपटीटर बन जाते हैं। ये इंसानी व्यवहार हो सकता है? अपने ही साथी को हरा करके कौन सी सफलता हासिल कर लोगे आप? और संत वो नहीं होता जो सब कुछ त्याग करके जंगल में चले गया, वो तो निकम्मा भी हो सकता है कि जिसको सफलता नहीं मिल रही उसने संन्यास धारण कर लिया। असली संत वही है जो जानता है कि संसारिक जीवन में मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, वो जानता है कि मैं कोई भी बिजनेस शुरू करूँगा मैं उस पर कामयाब हो सकता हूँ, पर मैं बिजनेस नहीं करूँगा, मैं संसारिक सुखों को बैलेंस करके चलूंगा। ऐसा थोड़ी कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जंगल में चले जाऊँगा, कपड़े नहीं पहनूंगा, नंगा घूमूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, ना। एक संतुलन चाहिए, एक संयम चाहिए, संतुलन चाहिए, संयम भी नहीं, ठीक है ना। वैराग्य जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर क्या है कि वो संत है जिसको मालूम है कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ पर मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, उसके लिए उसको संस्कृत आना या सफ़ेद लाल पीले नीले कपड़े हरे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेट्रो सिटीज़ में रह के भी हिल स्टेशन की लाइफ जी सकते हो और हिल स्टेशन में रह करके भी मेट्रो सिटी वाली ज़िंदगी जी सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका मेंटल स्टेटस कि आप कितने ज़्यादा मेटलिस्टिक हो। और एक बात समझो ना, जो रेट रेस है, जो रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, उसके जो ऑर्थर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने कहा था कि एक रैट रेस है, चूहा दौड़ चल रही है कि आगे निकलना है, स्कूल में आगे निकलना है, जीतना है, ज़्यादा नंबर लाने, अच्छी नौकरी करना है, रिक्रूटमेंट होना है, IIT टॉप करना है, फिर 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, अमरीका में जाके कमाना है, ये करना है, ये रैट रेस है। तो एक आदमी को मालूम है कि मैं इस रेस में दौड़ के जीत सकता हूँ पर मैं नहीं जीतूँगा, मैं नहीं दौड़ूँगा, वो है असली संत। क्योंकि उसको मुझे मालूम है कि मैं अगर अपने दोस्तों के कंपैरिजन में बिजनेस करूंगा तो मैं हमेशा सफलता प्राप्त करूंगा, और उठा करके देख लो मेरे रिकॉर्ड या जिन दोस्त लोग जानते हैं, पर मैं अब बिजनेस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि चूहे की दौड़ में अगर मैं दौड़ा और जीत भी गया तो जीतने वाला भी तो चूहा ही होगा। अगर मैं उस रैट रेस में दौड़ करके जीत भी गया, फर्स्ट भी आया, तो भी मैं चूहा ही बनूंगा, तो मुझे चूहा नहीं बनना। ओके,
मुझे मालूम नहीं ये वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि ये बातें सिर के ऊपर से जाएंगी, बहुत भारी बातें हैं, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगा वो क्वेश्चन से कि मुझे ये बात करनी चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर फटाफट वीडियो बनाया। अभी एक घंटे पहले भी मैंने कमेंट पढ़ा, तो ठीक है। हालांकि इस वीडियो का कोई मेरी ब्लॉगिंग या कोई मेरे ये कैसीनोस वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे लगा कि ये भी एक नॉलेजल बात है जो पता होनी चाहिए। भले ही मैं ये वीडियो उस 1% आदमी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जिनको इस बात की ज़रूरत है, उन 99 के लिए नहीं जिनको कपिल शर्मा का शो या फ़नी वीडियो या बस आप हमें ट्रिक बता दो जिससे हमारा जैकपॉट लग जाए, उन लोगों के लिए नहीं है, उनके सिर के ऊपर से जाएगा। तो अगर वो लोग गलती से इस वीडियो पे आए हैं तो स्किप करके चले जाएं, जिनके लिए है वीडियो वो देखें। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।